गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड एंड एनुलिन। सबसे पहले देखते हैं क्वासी एरोमेटिक क्या होता है। वह एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हो वो होता है हमारा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये सारे एग्जांपल आपने पहले एरोमेटिक कंपाउंड में देख लिए हैं, लेकिन जिसमें पॉजिटिव चार्ज के थ्रू डीलोकलाइजेशन होता है उसे हम क्वासी एरोमेटिक कहते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक की कंडीशन जानने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखना ज़रूरी है, वो आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन इसमें पॉजिटिव चार्ज के थ्रू होगा। अगर हम इस बॉन्ड को इस साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जब फिर हम ये इस साइड आ जाएगा, फिर जब हम इसको इस साइड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड, यानी कि पूरे जो कंजुगेशन होगा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हो रहा है। और जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कंजुगेशन हो वैसा एरोमेटिक कंपाउंड होता है हमारा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये होता है हमारा क्वासी एरोमेटिक। ये वाला भी हमारा क्वासी एरोमेटिक, ये वाला भी क्वासी एरोमेटिक, और ये वाला भी आप क्वासी एरोमेटिक लिख लेंगे। सारा अपने हमारे पास क्या है, क्वासी एरोमेटिक। ये सारे एग्जांपल मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ एरोमेटिक कंपाउंड करके, बस क्वासी क्या होता है वो बताना था। जिसमें पॉजिटिव चार्ज के थ्रू डीलोकलाइजेशन वो होता है हमारा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखते हैं कि होमो एरोमेटिक क्या होता है। होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये है हमारा, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम H2SO4 से, फिर उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो हमारा होता है होमो एरोमेटिक। तो क्या होता है उसी को देखना हमें। H2SO4 में से H+ निकल कर आएगा, H+ ये एसिड है, इसमें से H+ निकलेगा। कैसे निकलता है अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि ये होता है हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर, जैसे डबल बॉन्ड हो, इधर O, इधर H, इधर भी OH, ये इस तरह से निकलता है। ये होता है H+ निकलता है, इस पर आता है माइनस चार्ज, ठीक है। H+ यहाँ से निकला, जब H+ यहाँ से निकला ये इधर आता है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड से है, वो एक बार इस साइड से हो जाएगा, ये हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा। या फिर आप इस साइड से इस तरह समझिए, ये इस साइड ब्रेक हो जाए, इस पर आए निगेटिव और ये पॉजिटिव, मिलकर बॉन्ड बना लें। जिस तरह से आपको समझना है उस तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से है, इसको हम देखेंगे। अब देखते हैं इधर क्या हो गया। ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, और ये वाला बॉन्ड इस साइड टूटा, इस पर आया माइनस और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब H+ इसके पास आएगा, H+ और ये प्लस माइनस मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में एक आ जाएगा बॉन्ड, एक बॉन्ड इस तरह से H में ये, और एक H पहले से यहाँ पर है, एक H ये। अब ये वाला कार्बन जो वो हमारा हो जाता है sp3 कार्बन, और बाकी सारे जितने भी कार्बन है उसमें sp2 कार्बन है। तो अब हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, जब जो सभी कार्बन जो sp2 हैं वो एक प्लेन में, और जो sp3 वाला है वो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, उसको हम इस तरह से ड्रा करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये जितने sp2 वाले कार्बन थे वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब जो sp3 वाला कार्बन है ये इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आ जाता है, और इसके बाद इधर एक हाइड्रोजन इधर ये, और ये हाइड्रोजन ये। अब ये वाला होता है sp3, और बाकी जितने भी कार्बन वो आपके sp2 हैं। और यहाँ पर H आप लगा लेंगे, बाकी जगहों पर H आपके पास पड़ा है। अब देखिए ये sp3 कार्बन है, और यहाँ पर ये sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन के बाद एक बॉन्ड सिंगल, या sp3 के बाद कार्बन के बाद एक बॉन्ड ये सिंगल, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, यानी कि ये डबल बॉन्ड एक यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा डबल बॉन्ड उसके बाद सिंगल, ये डबल बॉन्ड इधर, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल बॉन्ड इधर, तीन डबल बॉन्ड हो जाएंगे हमारी। ये सारे कार्बन एक प्लेन पर, और ये इसके परपेंडिकुलर, या फिर आप कहें एबव द प्लेन हो जाता है, ये sp3 वाला इसके एबव द प्लेन हो जाता है, इसे हम कहते हैं होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक लिखा है, इसे हम कहते हैं होमो एरोमेटिक। हो
हो गया हमारा होमो एरोमेटिक। अब देखते हैं एनुलिन क्या होता है। एनुलिन, एनुलिन सबसे पहले हमें क्या देखेंगे कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा वो कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीइन होगा। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक मतलब एक साइकिल होनी चाहिए, पॉलीइन मतलब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होने चाहिए। दूसरा क्या है, इसका फार्मूला जो होता है वो CnHn, इसका फार्मूला CnHn। और इसका नामकरण हम कैसे करते हैं, जैसे कि CnHn है यहाँ पर N है, इसके लिए हम एक ब्रेकर में लिखते हैं N, फिर उसके बाद एनुलिन, यहाँ पर N एनुलिन। अगर यहाँ पर C6H6 हो जाए तो हम लिखेंगे C6 एनुलिन। अभी हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला एनुलिन विदाउट इनर हाइड्रोजन, ऐसा एनुलिन जिसमें हाइड्रोजन अंडर की साइड ना होकर बाहर की साइड हो, विदाउट इनर हाइड्रोजन। देखिए कैसे सारे हाइड्रोजन जो है वो बाहर की साइड लगे हुए हैं, यानी ये एनुलिन। एनुलिन में क्या है, कंजुगेशन डबल सिंगल ये पूरा कंजुगेशन है, मोनोसाइक्लिक है और पॉलीइन एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एनुलिन। अब एनुलिन है तो कितना एनुलिन, देखिए इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका फार्मूला पहले लिख लें हम C4HB4। देखिए 1 2 3 4 H4। अब इसका जब ये हो गया फार्मूला, इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पता CnHn एन एनुलिन, यहाँ पर C4H4 तो ये हो जाएगा 4 एनुलिन, ठीक। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 C6HB6 है, बेंजीन रिंग में C6H6 होता ना, अब इसमें हो जाएगा इसका नाम लेजर एन नहीं 6 एनुलिन, एनुलिन आप ले लेंगे ठीक। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 C8H8 एन एनुलिन। यहाँ पर एन क्या है, एन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड आल्सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जितने कार्बन होंगे जितने हाइड्रोजन होंगे उतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें आप काउंट कर सकते हैं। C8 है, हाइड्रोजन भी 8 है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी 8 है। यह हो गया विदाउट इनर हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं एनुलिन विथ इनर एंड आउटर हाइड्रोजन, अंदर भी हाइड्रोजन हो और बाहर भी हाइड्रोजन हो। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी आप लिख सकते हैं इसके नीचे, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ये आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो नीचे लिख लेंगे, क्योंकि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ये सार सब का मैंने बता चुका हूँ इस सब का। तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक होगा, बाकी वो सब आप देख लेंगे, एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वो आप देख लेंगे। अब देखते हैं विथ इनर हाइड्रोजन एंड आउटर हाइड्रोजन। देखो अब इसमें बाहर भी हाइड्रोजन है और इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। अब इसमें हम कार्बन पहले काउंट कर लें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो गया हमारा C10, CnHb10 होगा और इसका हो जाएगा हमारे पास नामकरण 10 एनुलिन। हाँ, इसकी एरोमेटिसिटी मैं आपको बताता चलूँ, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में, इसको मैंने एरोमेटिक में लिखा था, वहाँ पर डिस्कस नहीं हो पाया था, तो फिर मैं उसके बाद दूसरी वीडियो में एंटी एरोमेटिक में इसको डिस्कस किया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं आपको बता दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक 10 है, तो इसे ये होना चाहिए एरोमेटिक, लेकिन इस हाइड्रोजन में रिपल्सन होता है, तो ये कंपाउंड प्लेनरिटी में नहीं रह जाता है, ये कहीं ना कहीं से प्लेनरिटी अपनी लॉस कर देता है, ये दोनों में रिपल्सन लगता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक, ये वाला होता है नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है।
अब इसी के हिसाब से आप इसमें देख लें कि इसमें रिपल्सन लगता है, तो इसमें भी रिपल्सन लगता होगा। हाँ लगता है, लेकिन ये रिंग छोटी है और ये रिंग बड़ी है, तो इसमें रिपल्सन नहीं लग उतना नहीं लग पाता है जितना इसमें लगता है। तो ये जो अगर एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक हो तो एंटी एरोमेटिक, ये होता है एंटी एरोमेटिक। अब देख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C12H12, तो इसे हम कहते हैं 12 एनुली। ये हो गए इसके इनर हाइड्रोजन और ये हो गए इसके आउटर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी आप काउंट कर सकते हैं, सेम ही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 10 11 12, ये हो जाएगा 12 एनुलीन। एक एग्जांपल और हमारे पास यहाँ पर है, इसमें भी हम काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाँ 14, इसे हम कहेंगे 14 एनुलीन। इसका फार्मूला हो जाएगा C14H14। देखिए 10 हाइड्रोजन बाहर की साइड है और 4 अंदर की साइड है, टोटल 14 हो जाएंगे। आप पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हैं, 14 हो जाएंगे वो। और एक दो एग्जांपल है, 14 16 एनुलीन, एंड उसके बाद 18 एनुलीन। इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे। ये 16 है, ये एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक में इसको बताया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये वाला 18 है एरोमेटिक में, इसे एरोमेटिक में बताया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के सेपरेट वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, इसमें ये एरोमेटिक वाले मिल जाएंगे। तो दा बस हो गया ना सब, ठीक हो गया। ये एग्जांपल आप नोट कर लेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये एरोमेटिक लगता है लेकिन इसमें रिपल्सन होने की वजह से होता नहीं है, बाकी सब ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक आप लोग अब लिख लेंगे नीचे जो भी है, और 16 18 वाला कर लेंगे, बस हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।